विजयते श्रीमन मथुराधीश प्रभु। शार्वरी नाम विक्रम नव संवत्सर समस्त भारत एवं संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी हो। समस्त पृथ्वी पर कोरोना वायरस के कारण अशांति का माहौल है। इस वातावरण से हमें निकलना है तो कुछ सकारात्मक विचार करना होगा। आओ कुछ ऐसा करें जिससे हम सबको शांति मिले, खुशी मिले। इस अशांति के वातावरण को आओ हम एक दूसरे को नव संवत्सर की शुभकामना देकर सभी जन जन के मन को आनंदित करें। चलो नव संवत्सर की बधाई देकर माहौल को थोड़ा सुखमय बनाया जाए। आज सनातन वैदिक नव वर्ष का आरंभ हो रहा है तो हम समस्त विश्व के लिए सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। नव संवत्सर में लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी को यह नूतन संवत्सर सुख समृद्धि प्रदान करे। इस दिन अर्थात नव वर्ष के प्रथम दिन पुष्टि मार्ग सेवा का क्रम तो विस्तार से वर्णन तो नहीं हो पाएगा, किंतु आज की सेवा में प्रभु को जो विशेष भोग धराया जाता है, विशेष सामग्री आती है, उसकी चर्चा करें। आज के दिन प्रभु को नीम की कपोलें मिश्री के साथ भोग धराई जाती है। इसका साधारण अर्थ यह होता है कि नीम और मिश्री एक जीवन का प्रतीक है। जीवन के आने वाले समय में कुछ कड़वाहट भी है, कुछ मिठास भी है। दोनों के अनुभवों के लिए नीम और मिश्री धरी जाती है। प्रसाद के रूप में आज दिया जाता यह नीम और मिश्री जीवन में आने वाले सुख और दुख का प्रतीक होने के कारण यह सुख और दुख के काल चक्र का भी प्रतीक है। समय का पहिया है जो सुख का भी है और दुख का भी है और ये दौर से गुजरता है। तो हम पुष्टि प्रभु को धरे हुए इस नीम और मिश्री के प्रसाद से अपने जीवन के सभी पलों को आनंद से व्यतीत करें, चाहे वे सुख के हों या दुख के। अतः यह कोरोना का कड़वाहट भरा माहौल दूर तो होगा ही, आप सभी के जीवन में मिश्री भी घुलेगी और यह वर्ष आनंदमय ही होगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन हमें मंगल स्नान करके नए वस्त्र अलंकार धारण करने चाहिए, अपने घरों में ध्वजारोहण करना चाहिए, अपने इष्ट प्रभु एवं गुरु का पूजन करना चाहिए। इस दिन विशेषतया हमें पंचांग का पूजन भी करना चाहिए, वर्ष फल का श्रवण भी करना चाहिए। यह हमारी पुरानी भारतीय परंपरा है। विश्व कल्याण के लिए फिर से हम इस परंपरा को जागृत करें और सभी को नव संवत्सर की शुभकामना देकर आनंदित करें। प्राप्ते नूतन संवत्सरे प्रतिगृहम कुर्या ध्वजारोहणम स्नानम मंगलम आचरेन द्विजवरहि साकम सुपूज्योत्सवैहि देवानाम गुरुयोषिताम च शिशवो अलंकार वस्त्रादिभिः संपूज्य गणकः फलम च श्रुणयात् तस्मात् च लाभप्रदम। आप सभी को एक बार और नव संवत्सर की शुभकामना एवं श्री मथुराधीश प्रभु की कृपा से यह वर्ष सबको आनंदमय, रोग निवृत्तमय एवं आनंद और परमानंदमय हो, ऐसी मैं कामना सहित सर्वे जना सुखिनो भवन्तु के साथ प्रार्थना करते हुए आप सबको खूब खूब आशीष देता हूँ। किम अधिकम। विजयते श्रीमन मथुराधीश प्रभु।